सबसे पहले तो मनमोहित जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप आए, आपने ये दृश्य जनता को दिखाया, इसे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वार्ड नंबर 10 भारतनगर कॉलोनी है। 25 घरों की समस्या थी कि यहाँ गली में पाइपलाइन नहीं थी वाटर की, तो 25 घरों ने कनेक्शन इसके दूर दूर से ले रखे थे पानी के, तो इनको बड़ी समस्या आ रही थी पानी की। तो इन्होंने बुलाया मुझे, कहा भी भाई साहब आप माननीय सिरसा से विधायक हैं जो गोपाल कांडा जी, उनको कहें और ये कार्य को पाइपलाइन डलवाने का कष्ट करें। इन्होंने मुझे लाइन लिख के दी, गोपाल कांडा जी के नाम एप्लीकेशन लिख के दी। बिना किसी देरी के सिरसा के विधायक ने पेन चलाते हुए एक्शन साहब को आदेश किया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस कार्य को मंजूरी दी और आज आपके सामने है। वार्ड में खुशी का माहौल है और इसके अंदर मैं और मेरा वार्ड, हमारे माननीय पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब भानु प्रताप शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो 24 घंटे दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्हों के मार्गदर्शन में ये विकास कार्य हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक को जितने भी हम काम कहते हैं इस वार्ड के लिए उन्होंने पूरे किए हैं, चाहे ट्यूबवेल का काम था, चाहे बिजली के खंभों का काम था, चाहे श्रीनगर के ट्यूबवेल का काम था, और आज यहाँ वाटर लाइन का काम है। विधायक जी ने बिना किसी देरी के गोपाल कांडा जी ने ये काम करवाए हैं। मैं और हमारा वार्ड सब परिवार भाई गोपाल कांडा जी का धन्यवाद करते हैं। और आप ये मान के चलो कि 4 साल के अंदर इस एरिया में और इस 6 महीने में जो विकास की रफ्तार 10 नंबर वार्ड ने पकड़ी है, जितना काम यहाँ हो रहा है शायद ही कहीं हो रहा हो। और आज पूरे सिरसा की बात करो, पूरे सिरसा में चौतरफा विकास हो रहा है। गोपाल कांडा जी सिरसा के विकास के लिए चिंतित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर है। और हरियाणा लोकहित पार्टी का मेन मकसद सिरसा का विकास है और वो आपके सामने है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, पानी को लेके बड़े लंबे टाइम से समस्या थी हमारे गली के लिए, और हमने काफ़ी इधर उधर कई जनों को हमने बोला भी, जो लोग पॉलिटिक्स में बैठे हुए उनको भी और आगे भी हम लोग गए, और हमारी समस्या हर किसी ने सुनी लेकिन पूरी नहीं की। लेकिन उसके बाद हमने राजन शर्मा जी से हम लोगों ने मुलाकात की, लोकहित पार्टी के ये युवा नेता हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे वार्ड के लिए तो बहुत ही बढ़िया हैं, और छोटी बड़ी जितनी भी परेशानियां होती हैं मोहल्ले की लगभग ये सुनते हैं बहुत अच्छे से। और इन्होंने जो है, इनके थ्रू भाई गोपाल कांडा जी जो हैं उनके पास तक हमारी बात पहुँची, और पहुँचने के बाद ये हमारी समस्या कम्प्लीट हो चुकी है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं तो राजन जी को भी और गोपाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा भी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो